तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इसमें जो एमसीबी कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं किसके किसके लिए हैं। जैसे देखेंगे ये वेंटिलेशन वन ब्लोर वन के लिए ये एमपीसीबी है, 1.1 कंप्रेसर का एमपीसीबी है, ठीक है, 1.2 कंप्रेसर का एमपीसीबी है, 1.1 कंडेंसर का एमपीसीबी है, 1.2 कंडेंसर का एमपीसीबी, 8 नंबर हीटर का है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे साइड का 2.1 का, ये 2 का मतलब ब्लोअर मोटर का वेंटिलेशन का, 2.1 का कंप्रेसर, 2.2 का कंप्रेसर, 2.1 का कंप्रेसर, 2.2 का कंप्रेसर, एक नहीं 2.1 का कंडेंसर, 2.2 का कंडेंसर, ये देखेंगे तो 14 नंबर हीटर का। ये जो आप देखेंगे एग्जास्ट फैन का एमपीसीबी है, जो लाइटिंग ऊपर एग्जास्ट फैन लगा रहता है उसकी पावर सप्लाई यहाँ से है, ठीक है। अभी इसके बाद देखेंगे तो ये स्पेयर है, ये देखेंगे ट्रांसफार्मर है अपना चार्जिंग पॉइंट वाला। अब ये नीचे देखेंगे जो ये लगा है रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, हॉट गैस, सूप बॉयलर या वाटर बॉयलर, तो जो मिनी पेंट्री है जस्ट उसके इस कोच के उस साइड बैक में जो है मिनी पेंट्री है उसका ये पावर सप्लाई है। इधर देख इधर जितना देखेंगे आप ये पावर, ये 440 एसी है, ये मतलब एसी है, यहाँ पे 220 है, इधर 440 है। जो इधर की जो सर्किट देख रहे हैं ये है डीसी, डीसी सर्किट है, इधर एसी सर्किट है, इधर डीसी सर्किट है। तो ये 35 कंट्रोलर ऑन ऑफ के लिए ये मेन सप्लाई पावर सप्लाई रीडिंग, नाइट लाइट के लिए है ये पावर सप्लाई के 33 नंबर है, डायग्नोसिस के लिए 32 नंबर है, टेलीफोनी के लिए 31 नंबर है, एग्जास्ट फैन के जो कंट्रोलिंग कॉन्ट्रेक्टर की ये 30 नंबर है, डीसी 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 टू डीसी कन्वर्टर के लिए 29 नंबर, रीडिंग लाइट के लिए 28 नंबर, और दूसरे दो सर्किटों में रीडिंग लाइट है, रीडिंग लाइट के लिए 27 नंबर ये स्पेयर है। ये देखेंगे मेन मेन लाइटिंग मतलब गैलरी साइड की है, ये लाइटिंग है, यहाँ देखें लाउड स्पीकर का है, एमपीसीबी एमसीबी है, ये देखें स्टेशनरी कंट्रोल, ये एग्जास्ट फैन का है, ये पंप कंट्रोलर का है, ये स्पेयर है, ये ट्रांसफार्मर का, ये लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट का है, ये रोजर सर्किट मोबाइल सर्किट का है, ये मेन लाइटिंग का है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्टर किसके किसके हैं। तो जैसे आप देखेंगे पैनल के अंदर तो ये कॉन्ट्रेक्टर है, तो अब हम इसको देखते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रेक्टर किसका किसका है। तो जैसे हम यहाँ से चालू करते हैं 24, ये 18 नंबर से, मान लो पहले से 18 नंबर, तो जो 18 नंबर है देखेंगे तो ये है ब्लिंक के आउटडोर लैंप्स का, जो बाहर दरवाजे के बाहर लैंप्स है उसका है। ये जो K23 देख रहे हैं, तो ये K23 देखेंगे पैनल के बाहर 400 वोल्ट ओके का जो आता है उसके लिए है, ठीक है। अब ये 24 देख रहे हैं, जो K24 जो है रिले, ये है जो इनका नीचे पंप होता है पानी का, जो पंप होता है एक पंप के लिए 24 और दूसरे पंप के लिए 25 नंबर, ठीक है। ये 26 देखेंगे 1.1 का, ये ब्लोअर का है। K27 देखेंगे तो ये इंटरलॉकिंग है, K26 और 28 का 27 इंटरलॉकिंग है। K29 देखेंगे तो ये एग्जास्ट फैन जो लाइटिंग में रहता है उस एग्जास्ट फैन का कॉन्ट्रेक्टर है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखेंगे देखेंगे आप तो दो ये कॉन्ट्रेक्टर है पंप का, तो ये 2/21 और 22 F21 F22 जो देखेंगे ये इस कॉन्ट्रेक्टर का एमपीसीबी है। पंप का जो मोटर होता है दो रिले हैं और दो इसके एमपीसीबी हैं, ठीक है। अब उसी तरह से देखेंगे तो K31, तो जैसे देखेंगे तो K31 1.1 का कंडेंसर हो गया, K32 1.2 का कंडेंसर हो गया, K33 1.1 का कंप्रेसर, 1.2 का कंप्रेसर, और ये 1.1 का हीटर, ठीक है। उसी तरह उसके बाद देखेंगे तो 36 2.1 का कंडेंसर, 2.2 का कंडेंसर और 2.1 का कंप्रेसर, 2.2 का कंप्रेसर, और ये देखेंगे तो 40 हीटर, 2.1 का हीटर। ये जो देखें 41 एलमेस 1 की सप्लाई, 41 नंबर कॉन्ट्रेक्टर, और ये 42 एलमेस 2 का है 42 नंबर, और इन दोनों का कॉमन है K43 नंबर, और ये K45 ये जो 440 आता है एलमेस से उसको रीड करने के लिए रिले K45, ठीक है। ये देखेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, 110 वोल्ट को 24 वोल्ट पे कन्वर्ट करने के डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। ये देखेंगे A6 और A7, तो ये दोनों क्या काम कर, तो देखेंगे तो डीसी में अगर ये A6 डीसी के लिए है और A7 एसी के लिए है, तो एसी डीसी क्या है कि अगर डीसी में कोई फॉल्ट रहेगा या तार अर्थ रहेगा तो उसका ये बाहर कमांड देता है इंसुलेशन फेलियर का, डीसी का ये और एसी का ये देता है, ठीक। अब उसी तरह से नीचे देखेंगे तो अभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पे, देखिए K
K29 दिखाया था कॉन्ट्रेक्टर एग्जॉस्ट फैन का K29, तो उसी K29 का एग्जॉस्ट का MPC भी नीचे है, क्योंकि लाइटिंग दोनों साइड होता है, उस साइड भी इस दोनों डोर के पास, तो दो एग्जॉस्ट फैन है 85 और 86, और जो 87 नंबर स्पेयर है ये किसी में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हो गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर देखते हैं, तो इसके ऊपर देखेंगे तो ये बच गया था कि तो ये जो K90 RBC के लिए, EBC RBC के इंटरलॉकिंग के, और ये देखेंगे 49 तो मेन लाइटिंग का कॉन्ट्रेक्टर है K49, और उसके बगल में बीच में देखेंगे तो K5 तो टाइमर फॉर एंटी स्काइड का, जो जो इनका ब्रेक का होता है उसका एंटी स्काइड का है। अब इस साइड में आप देखेंगे तो देखिए K44 कॉन्ट्रेक्टर, मेन कॉन्ट्रेक्टर फीडर से जो सप्लाई आती है ऊपर से आती है, जो एलमेस से आती है नीचे से आती है। ये जो आप साइड में दो चीज़ देखेंगे इसको बोलते हैं RC फिल्टर। ठीक है, तो RC फिल्टर काम क्या करता है, ये जब HOG भी गाड़ी जलती है तो उसके लगाए तो वोल्टेज जो वेरिएशन ज़्यादा होता है उसके लिए, तो उसके बाद हम डिटेल में कभी बताएंगे। अब ये देख लिए, अब इसके बाद अब इधर देखेंगे तो उस साइड देखेंगे ये 5 MCB है, तो एक कैपेसिटर बैंक की MCB है। ठीक है, ये 5 MCB प्लांट 1.1 का MCB है, और नीचे देखेंगे तो 1.8 दूसरे प्लांट का MCB है कैपेसिटर बैंक का। ये जो देखेंगे इंडिकेशन का यहाँ पे वो है डायोड जीना लगा हुआ है, जो पैनल के बाहर इंडिकेशन आता है उसके लिए है। ये देखेंगे तो MCB सिंगल पोल की है, ये माइक्रो प्रोसेसर की आउटपुट की MCB है। और जो ये देखेंगे यहाँ पे तो इसको बोलते हैं ग्लास फ्यूज, तो ये ग्लास फ्यूज है कॉन्ट्रेक्टरों की यहाँ पे, मतलब कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे लगा हुआ है ग्लास फ्यूज लगा है, तो कॉन्ट्रेक्टरों का है। अब नीचे देखेंगे तो ये 8 फ्यूज बचे हुए हैं, तो अब 8 फ्यूज देखेंगे, जो 25 का फ्यूज है 25 एम्पियर का, जब देखेंगे ये फ्यूज तो DC का है, 110 वोल्ट DC का है, जो ये 80 एम्पियर का 3 फ्यूज देख रहे होंगे तो ये LMS वाली है, और जो ये 100 एम्पियर की फ्यूज देख रहे हैं ये फीडर वाली सप्लाई है।